हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी से जल्दी जुट जाइए। आज हम पारसी मावा केक देख रहे हैं एंड सॉरी मुझे लेट हो गया। मैं 5 बजे लाइव आने वाली थी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं प्लीज सेंड मी हाय। नो हाय, इथे सगळं उचकतोय बघ। अर्णव मला घेऊन जा, मला मटेरियल आणायचं अजून। सब लोग जुट जाइए, तब तक मैं जो बचा हुआ मेरा जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है मैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, देन हम हमारा जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी सब लोग जुट जाइए प्लीज, ताकि हम हमारा मावा लाइव मावा पारसी मावा केक देख रहे हैं वो स्टार्ट कर सके। ओके, हेलो एवरीवन, सब लोग लाइव आने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, एंड प्लीज सेंड मी हाय जो भी मुझे देख रहा है, एंड प्लीज शेयर भी कीजिएगा देखते देखते रेसिपी।
थोड़ा सा वेट करेंगे हम सबके लिए। तो थोड़ा सा मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम राधिका ऋषिकेश बेलेनोर है। मैं पहले मैं थाना में क्लासेस लेती थी, एंड अब मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे में शिफ्ट हो गई हूँ मैं, तो पुणे में भी मैं स्टार्ट कर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। ऑफलाइन जिनको ऑफलाइन क्लासेस करना है वो ऑफलाइन भी कर सकता है, और जिनको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकता है। ओके तो हमारे पास टोटल 75 प्लस कोर्सेस है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ओके तो आप हमारे पास बेकरी से रिलेटेड 25 प्लस कोर्सेस है। अगर आपको बेसिक टू एडवांस केक क्लास करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके तो आज मैं आपको पारसी मावा केक दिखा रही हूँ। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे, इस मैंने पोस्ट डाली थी तब बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे कि हमें सीखना है करके। ओके तो मैं आज पारसी मावा केक दिखा रही हूँ। ओके तो प्लीज देखते देखते रेसिपी देखते देखते आप शेयर भी करना ना भूले। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं रेसिपी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। मुझे शेयरिंग चाहिए। ओके एंड प्लीज आप मुझे जो भी देख रहे हैं जहां से देख रहे हैं तो प्लीज मुझे हाई सेंड कीजिएगा। वैसे तो हमारे पास टी टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हम टोटल 14 टाइप के टी टाइम केक सिखाते हैं। ओके उसी में से एक रेसिपी में ये पारसी मावा की दिखा रही हूँ। ओके तो अगर आप ये रेसिपी बना रहे हो, आपको ये रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे पेज को लाइक शेयर जरूर करना। एंड यूट्यूब पे भी मेरा पेज है राधिका बेकर्स करके, वहां पे भी एक विजिट जरूर देना। वहां पे भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली है। अगर आपको वो रेसिपीज पसंद आती है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके तो हेलो अमिता मैम, हेलो। प्लीज शेयर भी कीजिएगा रेसिपी देखते देखते, आप शेयर भी कीजिएगा। और लास्ट में आपको मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ओके रेसिपी बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। शेयरिंग बहुत जरूरी है, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से सबको पता चलेगा, और जिनको ये केक बनाना है वो बना सकते हैं। एंड प्लीज सेंड मी हाय, जो भी देख रहा है प्लीज सेंड मी हाय। मैं थोड़ा वेट करूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, नोटिफिकेशन सबको नहीं मिलता है जल्दी से, तो थोड़ी देर में वेट करूंगी एंड देन मैं हमारा जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट करूंगी। ओके एंड सब लोग शेयर कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, शेयर माय पेज एंड थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने शेयर किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब तक सब लोग जुड़ते हैं कनेक्ट होते हैं तब तक मैं मेरा थोड़े से जो बाकी बचा हुआ इंग्रेडिएंट है वो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके
हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी शेयर किया है मेरे पेज को, थैंक यू सो मच। और मैंने दो तीन दिन पहले मोदक स्पेशल क्लास ऑनलाइन किया था, तो वो क्लास ऑनलाइन अभी अवेलेबल है। उसका क्लास की फीस ओनली 799 रुपीज है। मैंने टोटल 14 डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के मोदक उस क्लास में सिखाए हैं। जिनको भी ये क्लास करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है 8308137741। ओके, और ये एक्चुअली फी इस क्लास की 1000 रुपीज है, लेकिन हमने गणेश चतुर्थी के लिए ये स्पेशल ऑफर रखा है 799 रुपीज के लिए। ये जो ऑफर है टिल गणपति विसर्जन तक रहेगी। ओके, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ सबका, कि क्योंकि सबको नोटिफिकेशन मिलने में वक्त लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। ओके, ताकि सब लोग जुड़ जाए। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग ये सेशन देख पाए। ओके, लाइव सेशन, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तब तक मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरे जो क्लासेस चलते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ओके, हमारे पास टी टाइम एगलेस केक भी अवेलेबल है, एक केक क्लास भी अवेलेबल है। उस क्लास की फीस ओनली 1250 है। उसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के केक सिखाते हैं हम। हमारा जो मावा केक का लाइव सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि सबको अच्छे से दिख रहा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमें मावा केक बनाने के लिए लगेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैं सारे मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताती हूँ मैंने कितना क्या क्या लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं बटर लिया है, मैंने 180 ग्राम पाउडर शुगर ली है, 225 ग्राम मैदा लिया है, 315 ग्राम। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ली है 1.5 टीस्पून। आपको बेकिंग सोडा लगेगा 1/8 टीस्पून। कर्ड लगेगा यहाँ पे कर्ड आपको 90 ml लगेगा। ओके, उसके साथ आपको मिल्क लगेगा, मिल्क आपको 225 ग्राम लगेगा। ओके, ml सॉरी। एंड खोया लगेगा आपको 125 ग्राम। ओके, खोया लिया है मैंने यहाँ पे। आप ये जो खोया है ये स्वीट अनस्वीटन है, स्वीट नहीं है। ओके, उसके साथ आपको लगेगी इलायची पाउडर। एंड यहाँ पे मैंने मावा एसेंस लिया है। ओके, एंड कंडेंस मिल्क। एंड ये जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, थोड़ा सा खोया लिया है, मिल्क पाउडर ली है, एंड मिल्क, एंड 1 टेबलस्पून आपको कंडेंस मिल्क लगेगा। ओके, कंडेंस ये जो चीजें है ये हमें ग्लेजिंग के लिए लगेगी। ओके,
ग्लेजिंग से केक का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो ये जो चीजें है आपको, ये इंग्रेडिएंट्स आपको ग्लेजिंग के लिए लगेगी। ओके, तो ये सारी जो चीजें मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ एंड देन हम हमारा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स है मैं साइड पे निकालती हूँ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, सॉरी सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूं, उसके साथ बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं हाफ रेसिपी बना रही हूँ, फुल रेसिपी नहीं बना रही हूँ, हाफ रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए मेरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो कम है। ओके, बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें मैं छान लेती हूँ। सबसे पहले ये ड्राई इंग्रेडिएंट आपको कंपल्सरी छान के ही लेना है। ओके, के बाद ये बाउल साइड पे रखते हैं, दूसरा बाउल ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बटर लिया है, एंड पाउडर शुगर। पाउडर शुगर भी आपको छान के ही लेनी है कंपलसरी, क्योंकि ये मेरी घर की पिसी हुई चीनी है, तो इसके अंदर